यार मुझे तुम शायरों की ये बात समझ नहीं आती। मतलब तुम लोग कोई बात सीधे तरीके से क्यों नहीं करते? हर बात को घुमा फिरा के करने की क्या जरूरत है? मतलब मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ कि तुम लोगों ने गाना लिखा है, मैं ठहरा रहा जमीन चलने लगी। मतलब क्या है यार, ये किसका क्या मतलब है? मियाँ, आपको पता है अदब किस चिड़िया का नाम है? अदब में जज्बात का इजहार इसी तरह से किया जाता है, कोई बात सीधी नहीं की जाती, अल्फाज में पोशीदा तरीके से बताया जाता है। अच्छा यार, मान लिया जज्बात का इजहार इसी तरह होता है, लेकिन जिस तरह तुम लोग लिखते हो, अगर वैसे ही गाना बना दिया जाए तो तुम्हें पता है कैसा लगेगा? आओ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आंखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत, गुम है। धड़का ये दिल सांस थमने लगी, सारा सनम हो। जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, जग घूमया थारे जैसा ना कोई,
जग घूमे थर जैसा ना कोई। एक लड़की भीगी भागी से धोती रातों में जागी से। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी को हाँ भाई कैसा लगा फिर यार ये सब देख के? एक ही बात जेन में आई क्या? कुत्ती पोंक धीरा, कुत्ती पोंक धीरा, कुत्ती पोंक धीरा, कुत्ती पोंक धीरा। आ, 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 आ,